तगरोटा सूर्या में भाजपा नेता संजय गुलेरिया की अध्यक्षता में व महिला मोर्चा के अध्यक्ष पंचायत प्रधान शालू नाथ के साथ संयुक्त रूप से भारी संख्या में महिलाओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ बड़े तिरंगे से 3 बोटू चौक रेलवे रोड से होती हुई बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा मंडल ज्वाली की ओर से नगरोटा सूर्या में लगाए गए विशाल तिरंगे से विशाल रैली के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा नेता संजय गुलेरिया, मंडल अध्यक्ष धीरज अत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष शालू नाथ, बबीता गुलेरिया, प्रधान अंजना कुमारी, प्रधान रिम्पल कुमारी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष लब्बू परमार, महामंत्री HS मस्ताना, पदाधिकारी जन्म सिंह चौधरी, हाकम सिंह चौधरी, शमशेर सिंह, त्रिलोक चंद, शक्ति सिंह गुलेरिया, पवन कुमार, जसवंत सिंह, सत्यदेव शर्मा, अमरजीत सिंह पठानिया, सुरेंद्र शर्मा, जोगिंदर शर्मा, प्रधान GS वेदी सहित भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान संजय गुलेरिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्लस उत्कल नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नगरोटा सूर्या पट्टी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में चलाया जा रहा है और ये तिरंगा यात्रा देश की आज़ादी के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। और इस यात्रा में विशेषकर हमारे युवा मोर्चा की बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही। महिला मोर्चा ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और इस मौके पर युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष लब्बू परमार, महिला मोर्चा की हमारी मंडल की अध्यक्ष शालू और बहुत से चुने हुए प्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल हुए। और आज के दिन हम दिल की गहराइयों से अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी करते हैं और उनको याद भी कर रहे हैं।